नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्पर आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 6 सितंबर, तो आइए जान लेते हैं यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आज की सारी अपडेट। पहला अपडेट है स्नातक दाखिला में बदलेगा पैटर्न। TMBU में PG ऑन स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया से परेशान UMIS कर्मी ने कहा कि स्नातक में ऑन स्पॉट पैटर्न बदलना होगा, वरना PG की तरह ही उन्हें छात्रों द्वारा कार्यालय में नामांकन लेने के लिए दबाव दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस बार स्नातक में ऑन स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया PG की तर्ज पर नहीं लिया जाएगा, इसके लिए एक ही दिन में सारे ऑन स्पॉट प्रक्रिया को पूरा करवा लेना है ताकि आगे किसी भी तरह की समस्याएं ना आए। UMIS के अधिकारियों ने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि छात्र ऑनलाइन निर्देशों को पढ़कर नहीं आते हैं, उन्हें यह पता नहीं रहता कि आखिर पोर्टल कैसे खुलता है। अगला अपडेट है 20 सितंबर से होगी DLED की विशेष परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED विशेष परीक्षा 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। परीक्षा 20 से 24 सितंबर तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से होगी। अगला अपडेट है TNB कॉलेज भागलपुर BCA एवं बायोटेक विभाग सत्र 2021-24 में नामांकन की सूचना के संबंध में प्रथम मेधा सूची जारी होने की तिथि है 6 सितंबर 2021। प्रथम मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेने की तिथि है 9 सितंबर से 18 सितंबर के बीच और द्वितीय मेधा सूची जारी होने की तिथि है यदि आवश्यकता हुई तो 20 सितंबर 2021 और द्वितीय मेधा सूची के आधार पर नामांकन लेने की तिथि है 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच। अगला अपडेट है नीट PG एडमिट कार्ड आज से कर सकेंगे डाउनलोड। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित होने वाले नीट PG 2021 का एडमिट कार्ड सोमवार से परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकेंगे। सोमवार को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी 6 सितंबर से nbe.edu.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इसकी परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होनी है। अगला अपडेट है UG व PG की कक्षा 7 से। TNB कॉलेज के केमिस्ट्री विभाग में UG व PG की कक्षा 7 सितंबर से आरंभ होगा। विभाग के हेड डॉक्टर बिलाल अहमद ने कहा कि कक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। साथ ही छात्रों से अपील की है कि कॉलेज में होने वाले अभिभावक गोष्ठी शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। अगला अपडेट है TNB में अभिभावक छात्र सम्मेलन आज। TNB कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सोमवार को अभिभावक छात्र सम्मेलन होगा। समन्वयक डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। अगला अपडेट है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु तिथि विस्तार किया गया है। शिक्षण संस्थानों के प्रधान अब विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म दिनांक 10/9/2021 तक वेबसाइट पर भर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी विद्यार्थी के जारी मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता पिता के नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय, परीक्षा का माध्यम से संबंधित त्रुटि रह गई हो तो इसमें संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा इस अवधि के दौरान ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। जिस विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि है उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑनलाइन सुधार करने के बाद ही संबंधित विद्यार्थी का फॉर्म दिनांक 10 सितंबर तक शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। और BSEB से यहां पर एक और अपडेट है, मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु तिथि विस्तारित किया गया है। शिक्षण संस्थान के प्रधान अब विद्यार्थी का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 10 सितंबर तक भर सकेंगे। इस अवधि के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के जारी मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता पिता के नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंक, विषय में अभी भी त्रुटि रह गई हो तो इससे संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि है उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑनलाइन सुधार करने के बाद ही संबंधित विद्यार्थी का परीक्षा फॉर्म 10 सितंबर तक शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने या शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप सबको आज की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, यूनिवर्सिटी हेल्पर।